हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की जा रही है लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से। ये आज दिनांक 22 अप्रैल 2021 की लेटेस्ट न्यूज है। आप इसे अमृत विचार न्यूज़पेपर में आसानी से रीड कर सकते हैं। बरेली डिस्ट्रिक्ट से इस न्यूज़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। MJPRU बरेली तथा उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। हम आपके लिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट लगातार लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, कल मैंने बताया भी था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग की गई है, उसके बारे में यहाँ पर भी बताया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी के बाद रुहिलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र भी अब प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी की न्यूज़ आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कल MJPRU की भी न्यूज़ आई थी, उसके बारे में भी कल ही मैंने आपको बता दिया था। इसके साथ साथ पूरी न्यूज़ अब हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। भविष्य में परीक्षाएं होंगी, इसको लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से छात्रों को प्रमोट करने की जो मांग है वो उठने लगी है। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा शासन से इसको लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। इसके बाद MJP रुहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। इसके बाद MJP रुहिलखंड विश्वविद्यालय के छात्र भी प्रमोट करने की मांग करने लगे हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट भी शेयर किए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारी अभी कुछ दिनों तक शासन के निर्देशों के साथ कोरोना की स्थिति को देख रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा जिस तरह के अभी हालात हैं उससे भी नहीं लग रहा है कि परीक्षाएं भी हो सकेंगी। ऐसे में छात्रों को प्रमोट करना पड़ सकता है। लखनऊ में जो हालात ज़्यादा ख़राब हैं इसकी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय ने शासन से छात्रों को प्रमोट करने के संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं। जैसे ही इसके बारे में छात्रों को पता चला तो बरेली में भी छात्रों ने अगली कक्षा में प्रमोट करने की जो मांग है वो शुरू कर दी है। इसके साथ ही इसके लिए छात्र फेसबुक व ट्विटर पर अन्य छात्रों का सपोर्ट भी मांग रहे हैं। शासन से भी 20 अप्रैल को मुख्य परीक्षाओं के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों से कार्य योजना मांगी गई है। इसके तहत परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं और छात्रों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते विश्वविद्यालय के अधिकांश अधिकारी अपने गृह जनपद को रवाना हो गए। तो यहाँ पर आज की जो लेटेस्ट न्यूज है ये यहाँ पर MJPRU बरेली के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि MJPRU बरेली के स्टूडेंट्स भी अब लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि आप प्रमोट होना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल सके। साथ ही आप ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, UGC के लिए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के CM के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते होंगे बरेली से भी लगातार अब स्टूडेंट्स प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि जल्दी ही हालात नहीं सुधर पाते हैं, कंडीशन सही नहीं हो पाती हैं, परिस्थितियां सही नहीं हो पाती हैं जैसे पहले थीं, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है। और इसके बारे में जैसे ही ऑफिशियली कोई अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।